रजत दलाल को एक दो नहीं बल्कि 10 साल तक की जेल हो सकती है। यह अपडेट हमने तिहाड़ जेल के जेलर दीपक शर्मा ने दी है। इसी के साथ में बहुत सारी धाराएं भी रजत दलाल के ऊपर लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। सबसे पहले आज आप तिहाड़ जेल के जेलर का छोटा बड़ा वीडियो देख लीजिए। मुताबिक एक 18-20 साल के बच्चे को जबरदस्ती उसके घर से निकाल कर गाड़ी में बिठाया गया, उसके साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई। रजत दलाल मेरे पापा है और मस्ती में मैंने अपनी ऑनलाइन गैंगस्टर चल अच्छे से। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। आईपीसी के सेक्शन 365, 294 बी, 114, 323, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 7 साल तक की सजा के प्रावधान हैं। मामले की जांच में सामने आया कि किस तरह साइबर बुलिंग ने एक अपराध को जन्म। तो गाइस, आप सभी ने तिहाड़ जेलर यानी कि दीपक शर्मा का छोटा बड़ा वीडियो देख ही लिया होगा। दीपक शर्मा अपने वीडियो के अंदर बहुत कुछ बोलते हुए रजत दलाल को नजर आ रहे हैं। बहुत सारी धाराएं भी बताई दी है, ये सब धारा रजत दलाल के ऊपर लग रही है। तो गाइस, होप करते हैं छोटी बड़ी अपडेट आप सभी को अच्छी लगी होगी। रजत दलाल को एक दो नहीं बल्कि 7 साल तक की जेल हो सकती है, ऐसा इन्होंने बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट।